हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो भाई एक्चुअली क्या था ना, आज मैं कहीं जा रहा था तो अभी ना, जैसा कि सबको पता ही, मेरे पास ऑल्टो K10 भी है CNG। तो मेरी ना गाड़ी की CNG बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो इससे एक मुझे आइडिया आया, तो यार ठीक है, यार CNG बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है तो ना गाड़ी हमारी एक सिलेंडर में माइलेज क्या देते हैं, तो आज ना एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं CNG पंप पे जाऊंगा तो और वहां पे पूरी CNG फिल कराऊंगा, फिर उसके बाद जीरो ट्रिप करके उसके बाद चेक करते हैं भाई अपनी जो ऑल्टो K10 है, ये 6-7 साल ये पुरानी है, 6 साल पुरानी गाड़ी है। तो 6 साल पुरानी होने के बावजूद भी CNG में माइलेज क्या दे रही है, तो मैं अपनी गाड़ी के बारे में बता देता हूँ आपको। जो मेरी गाड़ी है वो है 2016 मॉडल ऑल्टो K10 VXI मॉडल है, जिसमें मैंने CNG अभी कुछ महीने पहले ही बाहर से फिट कराई है। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मेरी गाड़ी अगर मैं AC पे चलाता हूँ पूरी गाड़ी को, तो CNG पे माइलेज देती है एक सिलेंडर में जैसे अप्रोक्स 8 kg गैस आती है, 7.5 या 8 kg के बीच में। तो उसमें चलती है करीब 220 या 230 किलोमीटर के बीच में। तो एक बार आज इसकी रियल माइलेज क्या, एक बार वो निकल जाएगी। तो भाई वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं CNG पंप पे, जैसा कि देख सकते हो, ये अपना है भारत पेट्रोलियम का है, यहाँ पे पेट्रोल भी है CNG भी है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो भाई हम पहुँचे CNG पंप पे, तो हमारा नंबर आ चुका है CNG फिल होने का। तो आपको मैं दिखा दूँ, इसमें जो CNG ना वो डलती है आगे से, क्योंकि ना इसमें ये CNG कंप्लीटेड नहीं है, जैसा मैंने बताया आपको, ये है बाहर से लगाई हुई CNG। तो यहाँ पे इसकी है CNG फिलिंग पॉइंट यहाँ पे है। एक बार पहले प्रेशर दिखा दूँगा, प्रेशर है कितना फिलहाल यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे प्रेशर है पूरा 200, तो देखते हैं ऐसा आई थिंक जो भी है 7-8 kg के आसपास गैस आनी चाहिए। तो भाई CNG हो चुकी डलनी स्टार्ट अपनी, ये देखो हमारे अब जो CNG की रेट है वो अभी 84 रुपये 53 पैसे। तो ये हर स्टेट में अलग अलग प्राइस है, दिल्ली में आई थिंक 75 या 76 के आसपास है, UP में 78 है, हरियाणा में, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे अपना है 84। तो भाई ये कितनी आ चुकी है, 3 kg करीब आ चुकी है। तो भाई एक बार देख लो गाड़ी को, अपनी ऑल्टो K10 है 2016। तो भाई जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे देखो 8 kg गैस आई है पूरी, वो आई है 688 रुपये की, क्योंकि हमारी जो गाड़ी जो CNG पूरी खाली थी, ठीक है। तो भाई अब इसकी एक्चुअल जो माइलेज क्या देगी, हम इसकी अब ट्राई करेंगे अपनी गाड़ी की, ठीक है। तो अब हम गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट अपनी। तो भाई सबसे पहले करते हैं जीरो, जो ट्रिप है वो जीरो करते हैं। ये देखो यहाँ पे इसको, तो भाई ये होगी जीरो अपनी, ये देखो ठीक है। CNG जो है अपनी वो भी अपनी दे देखो, ये आ जाएगी पूरे 4 डंडे इसमें, ठीक है भाई। तो भाई एक्चुअली क्या है, थोड़ी सर्दियों का मौसम भी है, तो जो अपनी गाड़ी होती है ना, कभी भी मतलब चलाएंगे जब दिन के शुरुआत में गाड़ी चलती है ना, तो इंजन आई थिंक 2 या 3 किलोमीटर पेट्रोल पे चलता है, उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक CNG आती है। तो भाई अब ये गाड़ी कर दी है मैं, जैसे मैं दिखाया जीरो कर चुका हूँ। तो भाई 8 kg इसमें गैस आई है पूरी, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था प्रेशर पूरा 200 था अपना मशीन का, तो जो कंप्रेसर प्रेशर तो 200 था, तो 2 प्रेशर में तो गैस आई है अपनी 8 kg। तो भाई जीरो कर दी ट्रिप। तो भाई वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, भाई अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम अपनी जो अपनी ऑल्टो K10 है, इसमें बाहर से CNG लगवाई हुई है हमने, तो इसकी जो रियल माइलेज है CNG की वो हम टेस्ट करने वाले हैं। तो भाई गाड़ी चल चुकी है अपनी पूरी 100 किलोमीटर, ठीक है, तो आधा सफ़र तय कर चुकी है। तो बाकी वीडियो लास्ट तक रहना, वीडियो पर पता चल जाएगा गाड़ी माइलेज क्या निकाल रही है। और अगर मैं CNG की बात करता हूँ, तो जैसे जो अपनी CNG है, CNG अभी इसमें है 2 ग्रीन लाइट्स बची हुई हैं, जब हम CNG फिल कराते हैं तो इसमें ना 4 लाइट्स आती हैं, बट 2 खत्म हो चुकी हैं, 2 बची हुई हैं, और बाकी ये 4 लाइट्स ख़त्म होने के बाद ना इसमें एक रेड लाइट और आती है, वो होती है रिजर्व की, कि हाँ भाई आपकी CNG रिजर्व लग चुकी है, उसमें अप्रॉक्स 20-25 किलोमीटर चलती है। तो भाई गाड़ी चल चुकी है अपनी 174 किलोमीटर चल चुकी करीब, ठीक है। और जो CNG का जो पॉइंट होता है अपना, अगर मैं वो आपको दिखाऊं, तो देखोगे यहाँ पर आप, एक पॉइंट बचा हुआ है ग्रीन वाला, और इसके बाद फिर रिजर्व में भी चलेगी। और भाई अगर मैं आपसे रास्तों की बात करता हूँ, तो रास्ते देख लो, ये जो गाड़ी की जो रनिंग हुई है टोटल जितनी अभी तक, ये कुछ हाईवे पे, कुछ ऐसे लोकल रास्तों में जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह रहता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पूरे फरीदाबाद में। तो भाई अपनी गाड़ी चल चुकी है अभी 250 किलोमीटर, और ये रिजर्व में लगी हुई है कल से ही, जैसे देख सकते हो जो रेड लाइट आ रखी है।
तो ये रिजर्व लगी थी करीब 220 या 222 किलोमीटर पे। तो भाई मतलब यार ये ना एक मतलब दिल खुश हो गया माइलेज देख के गाड़ी की, मैं 250 किलोमीटर चल चुकी है और अप्रोक्स अभी 4 या 5 किलोमीटर और चलेगी, बट मैं इसमें सीएनजी फिल करा लेता हूँ अभी। मतलब भाई ये जो करिश्मा है ना ये बस मारुति कर सकती है, कोई और गाड़ी चाहे कोई भी कंपनी की हो। हालांकि नो डाउट टाटा की कार्स भी है सीएनजी फिटेड आ रही हैं आजकल, वो बहुत अच्छी गाड़ियां हैं सेफ्टी वाइज फीचर्स वाइज भी, पर यार इंजन का मुकाबला नहीं है मारुति के यार। मतलब कि अगर आप मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो जैसे जब मैंने गैस डलवाई थी सीएनजी तो इसमें आई थी अपनी 8.1 केजी, मीन अप्रोक्स मोटा मोटा 8 किलो मान लो गैस जो आई थी, तो 8 किलो में आपकी गाड़ी 250 किलोमीटर चल चुकी है। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये देखो 250.8, मीन 250 किलोमीटर चलना यार ये हो गया सीधा सीधा भाई 31 की माइलेज के लिए मतलब निकाल रही गाड़ी, और अभी 5 या 10 किलोमीटर के बीच में गाड़ी और चल सकती है भाई। मतलब मजा आ गया, दिल इतना खुश हो गया भाई साहब। तो एक बार आपके पास कौन सी गाड़ी है मारुति की, क्या वो भी इतनी ही माइलेज देती है तो भाई बताना। हो सकता है भाई ड्राइव करने का भी सबका अलग अलग तरीका होता हो, जो मैं ड्राइव करता हूँ वो 60-70 के बीच में चलाता हूँ, उससे ऊपर चलाता नहीं हूँ। ये गाड़ी आधी चल रही है अपनी हाईवे पे, आधी चल रही है ऐसा लोकल एरिया है अपना ये गाँव का उस टाइप के एरिया में, और जैसे आपको बता दूं एसी भी आधे टाइम ऑफ रहा है। मैं जैसे बता दूं मैं पहुंचाऊँ सीएनजी पंप पे, तो भाई मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, गाड़ी ने अपनी माइलेज निकाली है 250 किलोमीटर की। तो भाई 250 किलोमीटर की माइलेज बहुत होती है, तो 31 की माइलेज निकाली है भाई। तो एक बार आपके पास कौन सी कार है मारुति की और आपकी गाड़ी क्या माइलेज निकालती है एक बार कमेंट जरूर करना। तो पहले मैं सीएनजी डलवा देता हूँ गाड़ी में अभी, तो फिर सीएनजी डलवाने के बाद फिर बात करते हैं। तो भाई गाड़ी ने जो माइलेज दिया ना वो बड़ी जबरदस्त दी है भाई, मैं तो पूरा खुश हो गया क्योंकि जो मेरा अंदाजा था वो था 220 के आसपास चलती है, बट गाड़ी चली है 250 किलोमीटर पूरी और वो भी सीएनजी खत्म नहीं हुई थी, 5 या 10 किलोमीटर के बीच में गाड़ी और चलती है, बट मैंने उससे पहले सीएनजी डलवा ली। तो भाई 8 किलो गैस में 250 चली है गाड़ी, दैट मीन 32 के आसपास माइलेज निकाली। तो भाई आपका क्या ख्याल है कि भाई 6 साल मेरी जो ऑल्टो है वो 6 साल पुरानी गाड़ी है, 6 साल पुरानी होने के बावजूद भी इतनी अच्छी माइलेज दिया भाई, टचवुड यार। मतलब मारुति की चाहे बिल्ड क्वालिटी कैसी हो बट भाई इंजन का तोड़ किसी भी गाड़ी के पास नहीं है, चाहे कितनी भी गाड़ियां सीएनजी फिल्ड आ रही हो बट मारुति जैसी माइलेज कोई नहीं दे सकती। बाकी भाई आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में बताना जरूर। तो भाई वीडियो में बस यही खत्म करता हूं, तो भाई मजा आ गया एक बार। और दूसरी चीज ये जो मेरी गाड़ी ने जो माइलेज निकाली है ना वो निकाली है, मैंने गाड़ी अप्रोक्स 60-70 के बीच में चलाई थी। तो भाई गाड़ी आप भी धीरे ही चलाया करो, इसमें ना हर तरह से अपना ही फायदा है, इसमें गाड़ी माइलेज अच्छी देती है, गाड़ी का जो इंजन कंडीशन वो अच्छी बनी रहती है, और भाई गाड़ी कंट्रोल में रहती है, अंडर कंट्रोल रहती है। अगर आप गाड़ी ज़्यादा तेज चलाओगे ना 100 पे 120 पे तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ना है नहीं। तो भाई गाड़ी धीरे चलाया करो, स्लो चलाया करो भाई, सीट बेल्ट लगा के चलाया करो। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, तो भाई आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना।